गाड़ी मिल गई है तो इससे एंजॉय करते हैं, इससे एक्सप्लोर करते हैं। जो प्रॉपर बॉलीवुड मूवीज में देखा है ना मेरे भाई, वैसा ही तो है। वहां रुकते हैं रात को, व्हाइट कप ऐसा है फुल पावर। दिन उल्टे चल रही हो ना तो आपका दिन खराब ही जाता है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यार। गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये है कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप का एपिसोड 49। कल का दिन बहुत ज़्यादा इवेंटफुल और बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, हम लोगों को अलग से रास्ते पे जाना पड़ा, बिकॉज राहुल भाई बीइंग अ बिजनेसमैन वो डिसिप्लिन की बातें करते हैं, हम लोग बीइंग अ ट्रैवलर ट्रैवल की बातें करते हैं, तो हम दोनों के लिए ज़्यादा बेटर था कि हम लोग अलग डायरेक्शन में जाए। कोई कौन सही कौन गलत ये मैं नहीं बताना चाहूँगा, मुझे नहीं समझ आ रहा यार। जो भी है अब इस ट्रिप को आगे बढ़ाना है, बिकॉज राज कपूर साहब की मूवी का एक डायलॉग है, द शो मस्ट गो ऑन, तो शो विल गो ऑन। हम हैं रूह से राही और आपको रिपोर्ट कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से। यार कल रात को तो हमें जूरी के रुकना पड़ा था, गाड़ी नहीं मिली थी, अब फाइनली गाड़ी हमें मिल चुकी है। अब जा रहे हैं यार आगे की तरफ, अब यहाँ से बढ़ते हैं क्योंकि यार बहुत देर हो गई है, दोपहर निकल चुकी है और हमें पहुँचना है अपनी मंजिल पे। ये है हमारी मंजिल, यहाँ से हमारे को लगेगा डेढ़ एक घंटा पहुँचने में, बल्कि दो ही लगेंगे पूरे पूरे। अब आपसे मिलते हैं रोड पर। बापरे भाई, स्विट्जरलैंड जेन्युइनली बहुत बढ़िया है, अगर मूड की बीटी ना हुई होती ना तो मज़ा आ जाता यार। लेकिन अब इसको देख के मेरे को लग रहा है कि यार तेरा मूड भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा भाई। मूड तो ठीक करना ही पड़ेगा अब तो, मूड मतलब ठीक है। मैंने सारी रात सोचा था कि क्या है क्या नहीं है, कैसे क्या हो गया, ठीक है अब गाड़ी मिल गई है तो इससे इंजॉय करते हैं, इससे एक्सप्लोर करते हैं। मीन वाइल वहाँ पर बात करते हैं और अपनी गाड़ी को मंगवाते हैं इधर। कूल कूल। लेकिन यार स्विट्जरलैंड जेन्युइनली बहुत ब्यूटीफुल है यार, सामने देख कितनी मस्त पहाड़ियां है ना, एक नंबर। और अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं है, मतलब अभी तो हम बिल्कुल बेसिकली जर्मनी वाली साइड पर है। भाई ये सारा व्यू देख के ना मतलब आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। सही कह रहा है भाई, मतलब मजा आ गया स्विट्जरलैंड के नज़ारे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, स्विट्जरलैंड जो देखा था अभी तो मतलब हम वेस्ट वाली साइड पे जा रहे हैं, ईस्ट वाली साइड पे जा रहे हैं स्विट्जरलैंड के, क्योंकि हम ज्यूरिक में थे, ज्यूरिक यार देख नहीं पाए बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स वी हैड यस्टरडे, तो ज्यूरिक का नहीं कवर कर पाए। बट उससे पहले ये मेरे को आई डोंट थिंक सो कि कोई रिग्रेट है। ओ सामने देख, बाप रे भाई कैसे, मतलब जो प्रॉपर बॉलीवुड मूवीज में देखा है ना मेरे भाई, वैसा ही तो है। वाओ मजा आ गया भाई। DDLJ वगैरह भी यहीं शूट हुई थी? DDLJ यहाँ नहीं हुई थी, नीचे वाली साइड पे हुई थी, वहाँ पे हम जाएंगे कल या परसों निकलेंगे। अभी के लिए तू कुछ वो देख ले, होटल या हॉस्टल कुछ भी मिले वो देख ले, वहाँ रुकते हैं रात को। यार स्विट्जरलैंड फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए और पहाड़ों के लिए और प्लस स्विस बैंक्स के लिए, तो स्विस बैंक्स तो भाई सबको पता है कि काला धन होता है वहाँ पे, तो उसको तो हम बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, हमारे पास बिल्कुल व्हाइट का पैसा है फुल पावर। लेकिन हम ब्यूटी देखने निकले भाई, बीटी से दूर होके आ चुके हैं ब्यूटी के अंदर। यार यहाँ पे गैस स्टेशन पे रुके थे, भाई ने बुकिंग कराई, वही वाली बात है, जब दिन उल्टे चल रही हो ना तो आपका दिन खराब ही जाता है कि भाई ये देखो बुकिंग करा दी भाई ने ये इटली में। अब बताओ स्विट्जरलैंड में बैठे इटली में होटल बुक करा रहे हैं, तो भाई जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। हाँ भाई पहलवान जी इटली में बुकिंग कराएगा, मतलब अब इटली लेके चलूँ तेरे को मैं? असमत दिमाग खराब हो रहा है मेरा भाई, 150 यूरो की तेल बन गया, 150 यूरो नहीं सॉरी 106 यूरो। चल भाई कोई नहीं है, पैसे तो ठीक है भाई, पिटते के दो जूत और सही। चलो अब यहाँ से कुछ खाते पीते और निकलते हैं, अब ढूंढते हैं भाई स्विट्जरलैंड में होटल। ठीक है भाई अब करेगा बुक ना, गाड़ी चला लेना चुपचाप, मैं सिर्फ ड्राइव करूंगा, तू कर लियो भाई बुकिंग। ठीक है भाई कराते हैं चल बुक। यार रास्ते में चल रहे थे और होटल की तरफ जा रहे थे और हमें मिला ये नज़ारा। वाओ इतना ही ब्यूटीफुल, लाइक स्विट्जरलैंड में ऐसी कोई जगह नहीं आप बता सकते कि स्पेसिफिक कोई जगह है, सारी ही तो जगह ब्यूटीफुल है, चारों तरफ माउंटेन्स और पानी और ये रहा अपना भाई प्रधान जी। क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है, जरा बताएं इसके बारे में थोड़ा सा। सो बेसिकली यार हम इस समय है सफर स्विट्जरलैंड के अंदर और इस लेक का नाम है सफनर सी, एंड व्यू तो आप लोग देख ही पा रहे हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग सा व्यू है, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब
रुकते रुकाते चल रहे हैं यार। आज हमने 2-3 घंटे की जो हमारी ड्राइव रही है वहाँ से जब हम निकले हैं ज्यूरिख से, तो हम एटलीस्ट 4 से 5 जगह हम रुक चुके हैं ऑलरेडी, एंड दिस इज़ द मोस्ट प्लेजेंट। मतलब जब भी हम रुकते हैं ना उसके बाद ऐसा लगता है कि आगे कुछ और बढ़िया नहीं आ सकता, बट द मोमेंट यू गो देयर भाई ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब व्हाट कैन गो रॉन्ग विद द लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता यार, इससे बेहतर कुछ नहीं है। रुकते रुकाते चलो आराम से, वही वाली बात है, सुबह 8 बजे उठ के हमने कौन सा नाम नहीं करने जाना है, मतलब ठीक है आराम से चल रहे हैं भाई। मगर जब जाया करते, जब 4 बजे उठ के जाया भी करते भाई। हाँ जब जाया करते भाई, 4 बजे भी उठा करते, ऑफिस भी जाया करते, सारे काम करते थे, बट दिस कैन नॉट बी एनी बेटर यार, दिस कैन नॉट बी एनी बेटर। यहाँ थोड़ी देर चिल मारेंगे, चिल मारने के बाद हमारा जो होटल है वो यहाँ से हार्डली 8-10 मिनट की दूरी पर ही है, तो यह ऐसे किसी व्यू में रुकेंगे, और स्विट्जरलैंड यही है स्विट्जरलैंड, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब कि आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस प्लेस यार, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। पहाड़ भाई, बीच में लेक, छोटा सा टाउन, ऐसे छोटे छोटे कितने सुंदर और कितने खूबसूरत टाउन आए हैं, फॉरेस्ट आपके साइड में, मतलब इट हैज़ एवरीथिंग, मतलब और क्या चाहिए आपको, इट हैज़ एवरीथिंग भाई। एक चीज़ की कमी है, अड़ा हुक्का होता तो इसका मज़ा ही आ जाता पीने का। हाँ बस एक चीज़ की उसकी कमी है कि भाई अगर अपना हुक्का यहाँ आ जाता ना सही रहता। जर्मनी गए भी, जर्मनी से लिया भी नहीं तने भाई, तने बेराई है क्यों ना लिया, चल कोई ना इस व्यू को एंजॉय करते हैं और चलते हैं होटल की तरफ। बिल्कुल डेफिनेटली। और भाई अब कल की तुमने एडिटिंग करी है उसका देख लिया आपने यार, मतलब कल की एडिटिंग वाज वेरी, कल तेरे को कहा भी था कि मैं फोन रख दे, फोन रखने का मतलब होता है वीडियो बंद करके रख दे यार। भाई पता है क्या हुआ, उस टाइम इतना ज़्यादा ना क्लस्टर हो गया था, इतना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा बीटी हो गई थी, लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहना चाहते हो कह नहीं पाते, और फिर काफ़ी चीज़ें ऑफ कैमरा भी हुई, काफ़ी बातें हुई हैं, तो आई थिंक थोड़ा पीसफुल रहना ठीक है यार। लाइक अगर आपकी नहीं बनती तो इट्स फाइन, यू कैन गो योर सेपरेट वेज, बट रूसर आई विल बी ऑलवेज बी रिपोर्टिंग, और ये ट्रिप तो हम करके ही रहेंगे। तो यार इस व्यू को करते हैं अलविदा और यहाँ से निकलते हैं आगे। और भाई मैं बैठ चुका हूँ पैसेंजर सीट पे और गाड़ी चला रहे हमारे धनखड़ साहब, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद गाड़ी चला रहे ना तू। हाँ भाई वही वाली बात है, पहले 2 ड्राइवर लेके अंडे थे, जरूरत ना पड़ रही थी भाई। एक ही है, यहाँ से लेफ्ट जाना है हाईवे के ऊपर। भाई साहब वो देखो यार, ये वाला वो पहाड़ था जो वहाँ से दिख रहा था, अब यहाँ से आगे जा रहे हैं, हार्डली 4 मिनट की हमारी और ड्राइव रहेगी, 4 मिनट के बाद हम पहुँच जाएंगे अपने होटल। होटल के बाद इस समय समय हो रहा है 5:40, 6 बजे का हमने लाइव बुक कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हम दोबारा से लाइव बुक कर देंगे थोड़े दिनों के बाद, सो प्लीज़ ज्वाइन अस ऑन आर लाइव, और जितने भी आप लोगों के प्रश्न हैं उनका हम उत्तर वहाँ पर बढ़िया तरीके से देंगे। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर जगह है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, पहाड़ों में जैसी जो फील आती है ना अपने, लद्दाख साइड चले जाओ या आप मनाली शिमला इन वाली साइड पर चले जाओ, स्पीति वैली भी मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वैसी सी फील आ रही है, बट थोड़े से साफ रोड है, थोड़े से वेल कंस्ट्रक्टेड जगहें हैं, यहाँ पर पूरी फेंसिंग हो रखी है, कोई भी ऐसे मतलब जानवर बीच में नहीं आ सकता, वेरी गुड एंड वेरी मेसमराइजिंग। मतलब आई मस्ट से कि इनके जो रोड है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, आप कहीं पर भी चले जाओ। बीच में इतनी सारी टनल्स आई थी ना, मतलब इन्होंने पहाड़ों के बीच से टनल्स बना रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से बना रखे, कि एक पहाड़ छोड़ा फिर दूसरी टनल आ गई, फिर दूसरा पहाड़ छोड़ा तीसरी टनल आ गई, आता ही जा रहा है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ना इन्होंने वही कंस्ट्रक्शन इसलिए करी क्योंकि पहाड़ जितने भी है ना, पहाड़ काटने यार सबसे मुश्किल काम होता है, जैसे अपने वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चलती है तो पहाड़ों का पहाड़ काटना सबसे मुश्किल काम है, तो पहाड़ कटते हैं तो यार उसमें फिर कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है, और ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है, तो इनके पास कितने साल से इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग और ये करके बना रखा है, फिर भी देख ले कंजेशन है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा, कि भाई ये डबल ये सिंगल रोड बनाया था फिर इसको दो कर दिया कि इनसे दूसरा पहाड़ कटा नहीं होगा तो आड़ा ही रोड बना दिया। हल्का फुल्का तो चलता है, ये देखना ना साइड से बिल्कुल ही रिवर की स्ट्रीम जा रही है भाई, पहाड़ रिवर की स्ट्रीम हो गई, बीच में रोड हो गया, इस तरफ दूसरा पहाड़ हो गया, मतलब मज़ा ही तो आ गया एक नंबर भाई। यहाँ पर आने का जो वही वाली बात है, यहाँ पे आने का ना गुड डिसीजन था हमारा कि इस वाली साइड चलते हैं भाई, वेस्ट साइड ऑफ स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग आते हैं, बहुत कम टूरिस्ट इस तरफ आते हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट अपने वहीं जाते हैं जहाँ पे DDLJ शूट हुई थी या वो हीरो पिक्चर की जहाँ शूटिंग हुई थी वहीं पर जाते हैं। हम भी जाएंगे वहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, हम भी घूमेंगे, बट हमारा जो विचार था वो ये था कि स्विट्जरलैंड के एक कोने से निकल के दूसरे कोने पे जाएं। वाह, और भाई माँ कसम फुल पावर ही तो व्यू है भाई, फुल पावर, फुल पावर यार, बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये देखो ये वो वाला गांव है जो वहां से दिख रहा था, कितना छोटा और कितना प्यारा बना रखा है गाँव, इतनी पुरानी पुरानी यहाँ पे इमारतें हैं जिसकी मतलब वाह,
इतनी पुरानी पुरानी इमारतें हैं यार यहाँ पे कि मजा ही आ गया देख के यार। लकड़ी के घर बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर यार बर्फ भी गिरती है, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है इस समय तो बहुत ज्यादा सुहाना मौसम हो रखा है, लिटरली बाहर टेम्परेचर देख सुहाना हुआ ना तो ना है, बाहर उतरते ऐसी गंदी बुंडी तो गर्मी लग रही है भाई। हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है बट जो जो लोग मतलब जैसे ये जो गोरे हो गए, गोरों को भाई इसी मौसम में रहना बहुत ज्यादा पसंद है भाई। हम तो इसी मौसम में बड़े हुए हैं, कभी भी ना रहना पसंद, पहाड़ों में भी धूप पड़ रही है आया है। शाम को देखियो, शाम को यहाँ पे ठंड पड़ेगी भाई, प्रॉपर ठंड हो जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल उसी का इंतजार है। ये देख भाई कितना सुंदर पहाड़ है यार, ये देखो छोटे छोटे यहाँ पे शैक बना रखे हैं इन लोगों ने, यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए जो स्टोर करने के होते हैं ना उनके लिए बना रखा है सारे का सारा स्टोरेज। आ गया बस होटल अपना, एक किलोमीटर आ गया, एक किलोमीटर दूर है। बढ़िया भाई, बढ़िया रोड पे ही है मेरे हिसाब से। सेवर में ही रुक रहे हैं यार, कहीं दूर नहीं जा रहे तो यहीं पर ही रुकेंगे आज रात को। एंड कल सुबह, आज रात को ही मतलब बेसिकली अगले सारे दिनों की आइटनरी बना देंगे। मेरे को बेसिकली पसंद नहीं है कि जब हम सुबह उठ के प्लानिंग करते हैं ना और फिर हर दिन हमारे को अलग अलग प्लान करता है, उससे पता है ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है और फिर ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। सो दैट आई रियली डोंट वांट। एंड रात को ही हम आगे 5 दिन की प्लानिंग कर लेंगे, क्योंकि 5 दिन एडवांस में चलना बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। बुकिंग वगैरह करा देंगे, रिजर्व करा देंगे, बट ऑब्वियसली बात है किसी को पे नहीं करेंगे, जैसे मैंने आज इटली में बुक करा दिया भाई वो तो तूने मतलब बिल्कुल ही ना ऐसा कर दिया, फिर मेरे को ने फोन करके बोलना पड़ा भाई मेरे बालक से होगी भाई, मेरा छोटा मेरा बेबी है उससे बुक होगी। हाँ तो अपने बेबी को फोन क्यों दो भाई, बेबी तो फोन देना पड़ा के करे। अरे तो लिखा गाड़ी नहीं लेकर जा सकते तो मत लेके जा, पहले चला जा मां ना रुकते। ओए होए होए वरुण यार ये पीक्स देख भाई, भाई साहब होटल चेक करो। होटल कहाँ है अपना? ये रहा सामीकति। अरे वाह, ये रहा भाई हमारा होटल, बिल्कुल ऊपर जाके जो लेफ्ट वाला है वो है हमारा होटल, और बिल्कुल उसके पीछे से ये वाला व्यू आ रहा है। ओ माय भाई यहाँ तो मजा आ जाएगा रात को बैठ के ना। ओए होए 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 वाह, बहुत गुड डिसीजन टू स्टे हियर। साइड में ले ले भाई, साइड में बाबूजी आ रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट जाना है वरुण, जहाँ इसने लगाई ना गाड़ी यहीं से लेफ्ट उतरना है। ये रहा अपना होटल का नाम, यही है। हाँ यहाँ से लेफ्ट ले लो। तो यार ये है हमारा होटल आज रात के, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं और इन वादियों में आज रात की स्टे होगी। कल सुबह मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करेगा भाई अब यहाँ से जाने का, एक्सटेंड करा देंगे भाई साहब आपके लिए, जान हाजिर है आपके लिए, हमने ट्रिप अलग कर ली। आप बात कर रहे हो कि जाने नहीं देंगे, जा चला जा भाई के साथ, मेरे को क्या दिक्कत है। अरे तू मेरा भाई, वो मेरा भाई, सारे मेरे भाई, अब मैं क्या करूं बताओ। तू इस गाड़ी ने लगा ले बाकी सारी चीजें भाई साहब। चलो चलते हैं अंदर की तरफ, मैं उतर जाता हूँ इससे पहले कहीं से आवाज उबूझ जाए, मैं देख लेता हूँ भाई। थोड़ा सा कच्चा ड्राइवर है ना, 2 महीने से गाड़ी नहीं चलाई, तो जरा इससे बैग बुक करवा दो। चल जान दे, गेट तो बंद कर दे, इन्हें जान दूं। चल भाई, हल्का सा कच्चा ड्राइवर है, थोड़ा सा मतलब हिचकिचाता है ये। और ये रहा भाई ऊपर स्विट्जरलैंड का फ्लैग, बिल्कुल स्विट्जरलैंड के फ्लैग के बिल्कुल नीचे लगा देंगे आज तो गाड़ी। यार ये गाड़ी हमने ली थी रेंटल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर गाड़ी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। यहाँ पे कूपरा के नाम से आती है ये गाड़ी, कूपरा कंपनी है, आप लोग देख ही रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कार है यार। क्या डिज़ाइन है, इसका लोगो दिखाऊंगा ना तुम लोग पागल हो जाओगे। ये है भाई इसका लोगो, बहुत सुंदर कार है, बहुत ही ज्यादा। गाड़ी बंद कौन करेगा? अरे मैं ये देख रहा था कि इसने भाई लाइन के बाहर लगा रखे हो, हम क्या करें? तो तू उस वाली में लगा दे। उस वाली में लगा दूं? कहा था ना थोड़ा सा हल्का ड्राइवर है। देख रहे उतर उतर कोई ठीक नहीं है, ये लाइन के ऊपर है बिल्कुल ही। इस वाली में लगा दे भाई, इस वाले स्पॉट में। तो चलो भाई यार मैं इसकी गाड़ी गुड़ी लगवाता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। भाई ये है अपना होटल और ये इनका है रेस्टोरेंट, इधर थोड़ी सी देर में आएंगे। और भाई चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, और अंकल मिले थे उन्होंने भाई एक नंबर का अपने को रूम दिया है, बढ़िया व्यू है, तो वहाँ पर चलते हैं देखते कौन सा रूम है, कहाँ पर क्या है। बढ़िया पुराना मतलब प्रॉपर स्विट्जरलैंड और ये इटली वाले साइड पर आ चुके हैं हम थोड़ा सा, तो इस साइड पर इसी तरीके के होटल और लकड़ी वकड़ी के प्रॉपर जैसे अपने शिमला मनाली में मिलते हैं वैसा सही है। एंड ये है भाई अपना होटल रूम, नॉट बैड। ओह रियली गुड, वुडन ओ 3 बेड हैं मगर हम तो 2 ही रह गए यार। ओहो भाई साहब मस्त है, 1 नंबर। तेरा तो मेरे हिसाब से जी ना करे यहाँ से जाने का सुबह ना। चल कोई ना, यहाँ बैठ के चुपचाप एडिटिंग कर लियो, अब नीचे करूँगा वहाँ जाके। ओए होए यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, बहुत हार्ड भाई। ये था अपना रूम, अब फ्रेशन अप होते हैं और अब आपसे मिलते हैं बाद में।
स्विट्जरलैंड की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है यार। लिटरली बता रहा हूँ, 2 घंटे का हमारा रास्ता था, बट हमने 4-5 घंटे के अंदर वो बिताया। हर पॉइंट पे रुके जो जहाँ जहाँ हम रुक सकते थे। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल यार। अगर आप लोगों का कभी भी विचार बने स्विट्जरलैंड आने का, डेफिनेटली आओ और ऐसी ऐसी ऑफ बीट जगहों पर जाओ जहाँ पर लोग गए नहीं है, क्योंकि वो जगहें बिल्कुल ही प्रिजर्व्ड है प्रॉपरली। इन लोगों ने उन चीज़ों को बिल्कुल भी क्या बोलते हैं उसको कि मॉडर्नाइज नहीं करा है। तो यू विल सी द एक्चुअल स्विट्जरलैंड। इस समय हम पहुंच गए रेन वॉल्फ में, एंड दिस इज़ अ सिटी वेस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड पड़ती है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। आज रात को यहीं पर ही रुकने का हमारा विचार है इसी व्यू के साथ। ये पीछे ही भाई हमारे होटल है, होटल में यहीं पर ही चेक इन कर चुके हैं। चेक इन करके लाइव पर गए थे यार, क्या रिस्पॉन्स आया, मज़ा आ गया यार। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने भी हमारे को सपोर्ट करा, जो लोग देख रहे हैं, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू गाइज। मतलब मज़ा आ गया आप लोगों से बात करके। इट वॉज रियली रियली अमेजिंग, एंड गॉड ब्लेस यू गाइज, गॉड ब्लेस अस एज वेल। अभी इस समय यार थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे चल रही है ट्रिप, बट कोई बात नहीं, टेंशन ना लो यार, हम हैं तो सब है, संभाल लेंगे ट्रिप को। इस वाले व्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह। कल सुबह एक नई डेस्टिनेशन, एक नई जगह पे। सी यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, एंड डू शेयर, डू लाइक अस, डू सब्सक्राइब। हम हैं रूह से राही और ये है स्विट्जरलैंड।